दोस्तों दिल की बात में हम आप सबका खैर मुकदम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब बखैर होंगे। दोस्तों आज दिल की बात में अल्लाह ताला अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता है उसके ताल्लुक से कुछ बातें आपके सामने बयान करेंगे। दोस्तों अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, जिन्नात को पैदा किया, मलाइका को पैदा किया, तो अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत भी करता है। मोहब्बत का इजहार जगह जगह आप कुरान मजीद में देखेंगे, उसकी आयतों में, और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहादीस बयान की है, यानी उन आयतों की जो तफसीर बयान की है, जो तशरीह बयान की है, उन आयतों में अल्लाह के मोहब्बत का इजहार आप देख सकेंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से हर दिन में 5 मरतबा जो मस्जिद से अल्लाहु अकबर की सदाएँ बुलंद होती हैं, जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदे को कामयाबी की तरफ बुलाता है, नमाज की तरफ बुलाता है, ये भी उसका एक इजहार मोहब्बत है। तो हमें बताना ये है कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सही बुखारी में है, हदीस मौजूद है, एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे हुए थे कि कुछ कैदी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए। तो उन कैदियों में से एक कुछ औरतें भी थीं और उनमें से एक छोटा बच्चा भी था। तो जैसे ही उस औरत ने देखा कि उसमें से एक छोटा बच्चा है, तो उसने लपक कर उस बच्चे को ले लिया, अपने सीने से लगा लिया और फिर जो है उसको जो है दूध पिलाने लगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ये मंज़र देख रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से दरियाफ्त किया, ऐ सहाबा मुझे बताओ कि क्या ये औरत अपने बच्चे को आग में डाल सकती है? तो सहाबा ने अर्ज़ किया, जब तक इस औरत को कुदरत होगी उस वक्त तक ये उस बच्चे को आग में नहीं डालने देगी, यानी दिफा करेगी, लड़ेगी कि मेरा बच्चा है, इसको जो है आप आग में मत डालो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये औरत जितना उस बच्चे पर मेहरबान है, अल्लाह ताला उससे भी ज़्यादा अपने बंदे पर रहम का मामला करता है। तो ऐसे बहुत सारे वाक़ियात जो है आप अहादीस में पढ़ सकेंगे। और बिल्कुल जो है अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की रहमत उसके ग़ज़ब पर ग़ालिब होती है। अगर इस तरीके से आज हमारे मुआशरे में गुनाह फैल चुके हैं, अगर हम उसको देखते हैं तो हमें लगता यह है कि अल्लाह का ग़ज़ब कहीं हम पर ना टूट पड़े, लेकिन ये अल्लाह ताला की रहमत ही है जो हमें बचाते रहता है, जो हमारी हिफाजत करते रहता है। इतने गुनाह होने के बावजूद, इतने माहौल बिगड़ने के बावजूद भी अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाते रहता है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला की रहमत उसके ग़ज़ब पर ग़ालिब है। लेकिन यहाँ एक बात जो समझने की ज़रूरत ये है, वो ये है कि इंसान की फितरत होती है कि वो जब अच्छा करता है कुछ भी अमल, तो उस वक्त अल्लाह ताला की रहमत का तलबगार होता है और वो सोचता है कि जो अमल मैं करूँगा इसका मुझे अच्छा बदला मिलेगा। लेकिन शैतान को देखिए वो किस तरीके से इंसान को वरगलाता है। जब वो बुराई का इरादा करता है, गुनाह का इरादा करता है, तो अल्लाह ताला की जो सिफत है खहार की, जब्बार की, अज़ीज़ की, उस सिफत को उसके बंदे के दिल में याद नहीं दिलाता। क्यों? इसलिए कि अगर गुनाह करते वक्त अल्लाह ताला की ये सिफत बंदे के दिल में याद आ जाए, खहार है, जब्बार है, अज़ीज़ है, तो बंदा जो है गुनाह से बच जाएगा। लेकिन गुनाह करते हुए उसके दिल में उल्टे ये सिफत डालता है कि अल्लाह ताला रहीम है, गफूर है, वो बहुत माफ़ करने वाला है। और ये याद रखिए, ये धोखा इंसान को मौत के वक्त तक देते रहता है। जब तक उसको मौत नहीं आती उस वक्त तक इंसान जो है उसे धोखे में रखता है, शैतान जो है उसे इंसान को धोखे में रखता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, के शैतान ने उनके बुरे आमाल को उनकी नज़रों में अच्छा बनाकर पेश कर दिया। तो ये शैतान का धोखा होता है। तो जब भी हम बुरा अमल करते हैं, कोई गुनाह का काम करते हैं, तो उस वक्त अल्लाह ताला की ये सिफत यानी अल-क़हार, अल-जब्बार, अल-अज़ीज़, ये सिफत भी हमें याद कर लेनी चाहिए ताकि हम अपने गुनाहों से बाज आ जाएं। तो दोस्तों दिल की बात में आज बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो लोगों के दरमियान इसको शेयर कीजिएगा। हम अगली वीडियो में आपके सामने फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।